उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में चार भारतीय खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, जिसकी जानकारी देने हेतु पत्रकार परिषद आयोजित की गई। उज्बेकिस्तान में 24 से 29 सितंबर तक उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें गुजरात के चार खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, जिस पर आयोजकों द्वारा पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। इस मौके पर गुजरात किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ भालेघरे, जनरल सेक्रेटरी जयेंद्र कोठी, आरआर काबेल के सीनियर मैनेजर एचआर सौरीन शाह, फार्म सन बेसिक ड्रग्स के सीनियर मैनेजर एचआर हिमांशु चौहान समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस वक्त हम सिद्धार्थ फिटनेस क्लब में मौजूद हैं, जहां आने वाले उज़्बेकिस्तान किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये चैंपियन 24 से 29 सितंबर के बीच में उज़्बेकिस्तान में आयोजन होने वाला है, जहां पर दुनिया भर से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें हमारे भारत देश के भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस आयोजन के बारे में। मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथ गुजरात किकबॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ जी भी मौजूद है, जिनके सपोर्ट के कारण ही आज हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे इस आयोजन के बारे में विस्तार से। तो इस बार हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या तैयारी है? देश के कुल 30 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, और काफ़ी मतलब दिन रात की मेहनत कर रहा है, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहा है। अगर मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात अभी एक नए जोर से आगे बढ़ रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि विकसित भारत, तो गुजरात भी एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हमारे खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए। और इस बीच में आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती है, तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है प्लेयर्स के लाइफ में, एंड अगर उसको हटाया जाए तो एक अच्छा प्लेयर आगे आ सकता है। और इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सारे सपोर्टर्स का, जिन्होंने इस खिलाड़ियों को सपोर्ट किया ताकि वो आगे जाके इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर सके और देश के लिए अपना नाम रोशन कर सके। पर फाइनेंशियल तो है ही, उसी के साथ में काफ़ी सारी और चुनौतियां होती है। जैसे एज एक प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो प्लेयर को स्पोर्ट्स और स्टडी में भी बैलेंस करना होता है, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, तो वो उनको बैलेंस करना है। उसके साथ में उनके दूसरे भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती है, तो सभी चीज़ों को सेट करते हुए और तभी वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि सभी प्रेशर्स को हैंडल करना वो एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा गुणधर्म होता है। आप एज अ कोच भी एक रोल प्ले करते हैं, तो जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो स्पोर्ट्स और स्टडीज में आपने जैसे कि बताया उनको बहुत ही मुश्किल होता होगा मैनेज करना, तो वो आप उसको फिर कैसे गाइड करते हैं उनको? कई बार प्लेयर्स आते हैं, कई बार पेरेंट्स आते हैं प्लेयर्स को लेकर आते हैं, तो वही होता है हमेशा जैसे पेरेंट्स का या प्लेयर्स का होता है कि बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बैलेंस करना बहुत ईजी है, पर मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि 24 घंटे तो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, पर वो 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें। और मैं तो कहूँगा कि जिस टाइम पे जो करना चाहिए उस टाइम पे वही करना चाहिए। खेल के टाइम सिर्फ खेल, तब पढ़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए, और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होना चाहिए, तब खेल की बातें नहीं होनी चाहिए। सो इस खेल को भारत में और पॉपुलर करने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या कदम उठा सकती है अभी फ्यूचर में? अभी जैसे कि किकबॉक्सिंग काफ़ी ग्रोइंग गेम है, अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्शल आर्ट अभी है किकबॉक्सिंग, और गुजरात में तो बहुत ही रैपिडली इसका ग्रो हो रहा है, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी स्टार्ट हो गया किकबॉक्सिंग खेलना, और आने वाले टाइम में यहाँ पे भी हम कुछ बड़े प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको हम बताएंगे। एंड जो हमारे अपकमिंग यूथ प्लेयर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो यूथ प्लेयर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि अपने आप को कोई भी एक स्पोर्ट्स में सबसे पहले आप इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज स्पोर्ट्स फैक्टर है। आजकल हम देखते हैं यूथ में एग्रेशन बहुत है, और वो एग्रेशन वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर अपनी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका जो एग्रेशन है आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं, और एक प्रॉपर उसको डायरेक्शन देते हुए अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका मेंटल स्टेट भी एक आप स्टेबल रहो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप खिलाड़ियों को किस तरह से मार्गदर्शन देते हैं कि वो मेंटली भी फिट रह सके?
खिलाड़ी बनने के लिए मेंटल फिटनेस उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल फिटनेस है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस से आप गेम नहीं जीत सकते, क्योंकि ये जो गेम है वो सिर्फ बल का नहीं है, वो दिमाग का भी है। तो दिमाग की शक्ति आपकी कैसी चलानी है, कब चलानी है, कितनी चलानी है, वो आपका समझना और उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे अभी साइकोलॉजिस्ट भी हमने प्लान किए हैं, सो अभी जितने भी हमारे किकबॉक्सर्स होंगे तो साइकोलॉजी के भी उनके सेशंस होंगे, जिससे वो और अपने आप को बेटर बना सके। और माइंड पावर, माइंड पावर आजकल बहुत लोग समझ रहे हैं ये टॉपिक को, तो ये माइंड पावर उसके साथ साथ मसल पावर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक बेहतर किकबॉक्सर हम बनाने का प्रयास करने वाले हैं। और इस बार की तैयारियां देखकर आपको क्या उम्मीद है, कितने मेडल्स आ सकते हैं हमारे देश में? इस बार जो तैयारी है और इस बार जो प्लेयर्स का हौसला है वो अलग लेवल का है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी बार अभी खेल रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल अरेना का जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो अभी उनको मिलना है। तो अभी पूरी आशा है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए वो ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आएंगे और हमें प्राउड फील करवाएंगे। ये जो आयोजन किया गया है जिसमें हमारे देश के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग थॉमसन बेसिक ड्रग्स एंड दीज आर द नया भारत। These people are contributing to the city, state and nation. So I wish them all the best and they वो अपना देश का तिरंगा लहरा क्या है, मेरा यही है उनका। और इस तरह के स्पोर्ट्स को आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या विचार होती है आपकी? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट होने के बाद वो अपने देश को प्रतिनिधि करें और प्रतिनिधित्व करने के बाद हमारे देश का नाम रोशन करें। और आपको क्या लगता है कि इस तरह का और सपोर्ट मिलना चाहिए इस तरह की खिलाड़ियों को ताकि हमारे देश का नाम और रोशन हो इस खेल में? या मैं मानता हूँ कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी को ऐसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो देश का, खुद का और देश का नाम रोशन कर सके। इस बार आपने इस चैंपियनशिप को जो हमारे देश के खिलाड़ी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर रिप्रेजेंट करने वाले, उस चीज को आपने स्पॉन्सर किया है, तो इसके पीछे आपका मेन मोटिवेशन क्या था, इंस्पिरेशन क्या था? सो आरआर काबिल का मोटिवेशन या इंस्पिरेशन इज दिस किड ओनली, राइट? हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम स्पोर्ट्स में भारत के बच्चों को एंड किड्स लाइक धीर हु इज जस्ट 9 इयर्स और उनको सपोर्ट करें एंड ऑल्सो मोटिवेट करें टू प्ले एंड चेयर फॉर इंडिया, तो यही हमारा मोटिवेशन है। एंड किस तरह से आपने इनको सपोर्ट करा, मतलब क्या क्या चीजें आपने इनको प्रोवाइड करी? सो एज सच इट इज नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर थिंग्स दिस एंड दैट, ज्यादातर हमारा जो भी सपोर्ट है वो मोटिवेशन रहेगा एंड ऑफकोर्स फिनेंशियली, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट, बट ज्यादातर यस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ही है जो कंपनीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। एंड फ्यूचर में भी हम इस टाइप का सपोर्ट देख सकते हैं आपकी तरफ से? Yes, so RR Kabel has always been promoting. So this is not the first time that we are, promoting and sponsoring and supporting kids. In previous also, we have supported Everest players, Mount Everest, जिन्होंने चढ़ा है, उनको भी हमने support किया है. कुछ और players हैं जिन kickboxing में रहे, उनको भी support किया. So we have keep on supporting our young players. Deer being the first one, junior of all to support on. तो ये 9 साल का पहला बच्चा है जिसको, we are supporting with very proud. और इनकी तैयारी देख के आपको क्या उम्मीद है कि ये देश के लिए मेडल ला सकते हैं? ला सकते हैं वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, धीर लेके आएगा, है ना धीर? ऑफ कोर्स, सो ही विल ब्रिंग ऑल द मेडल्स होम। तो आइए इशिता गांधी से जानते हैं कि उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि वो हमारे देश को एक इंटरनेशनल लेवल पे जाकर रिप्रेजेंट करने वाली है, तो उनसे जानते हैं उनके क्या विचार है। तो अभी आप जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपने क्या तैयारियां की है और आपकी क्या उम्मीद है कि इस बार आप किस तरह से अपने आप का प्रदर्शन करेंगे? मेरी ये थर्ड इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, लास्ट ईयर ही मैंने पोर्तुगल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया था और उसके पहले वर्ल्ड कप में टर्की पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो वो दो चैंपियनशिप के एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किए हैं उससे मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जो मैंने लर्न की है एंड उसके साथ साथ वो मिस्टेक्स को सुधारते सुधारते मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ कि मैं अभी उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड कप किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरी ये तैयारी बहुत पहले से चल रही है, जैसे कि मैंने अपनी इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट की है
तब से मेरी इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए मैंने अपने डाइट को फॉलो किया, मेरे मेंटल स्टेट को अच्छे से बैलेंस किया, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस की, एंड हमारी हर रोज यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है, टेक्निक ट्रेनिंग्स होती है एक्सेट्रा। सो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है इस बार के चैंपियनशिप के लिए। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग जाते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि पूरे देश दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से जो खिलाड़ी आते हैं उनको देखकर ऑलरेडी ऐसे प्रेशर आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो? एवरी टाइम एक ही थिंकिंग रहती है कि जैसे हमें दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए, तो जैसे हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, देन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द अदर प्लेयर्स जो हमसे बेटर है। वो कोई भी कैटेगरी में हो सकता है, चाहे कि जूनियर में हो, चिल्ड्रन में हो या सीनियर प्लेयर में हो, उनकी टेक्निक्स ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे यूज करते हैं, और उसी तरह उनका डाइट भी देखते हैं कि वो चैंपियनशिप के पहले कैसे कंज्यूम करते हैं, हाउ दे मेडिटेट, हाउ दे कीप देयर सेल्फ काम। सो ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं एंड हम लोग वैसे ही खुद ट्राई करते हैं कि हम ये खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें, एंड जैसे ही हमारा राउंड आता है एंड एट दैट टाइम वी गिव आर बेस्ट शॉट। एंड आप कब से स्पोर्ट्स में हो, मतलब कब से आपने स्टार्ट किया है? अराउंड 4 इयर्स हो चुके हैं मुझे स्पोर्ट्स में आते हुए, एंड अराउंड 2 इयर्स से मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स खेल रही हूँ। एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है स्पोर्ट्स को लेकर? स्पोर्ट्स को लेकर फ्यूचर प्लान यही है कि आगे जाके हर एक यूथ स्पोर्ट्स खेले, बिकॉज स्पोर्ट्स ऐसा एक कल्चर है जिसमें वो अपना पैशन दिखा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज या जॉब्स या एजुकेशन, कुछ भी बात करें, स्पोर्ट्स हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है। वो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से अच्छा है कि हम स्पोर्ट्स करें ताकि हमारा फिजिक भी अच्छा रहे, बॉडी मेंटेन्ड हो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट चैंपियनशिप्स गेम्स, बट इट्स ऑल अबाउट आवरसेल्फ कि हम लोग को अपनी अपनी मेंटेनेंस कैसी करनी है।